हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो मैं ले लूँगी इसमें 300 ग्राम मैदा, ये मैंने नाप के ले लिया है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है ईस्ट। आपको कोई अच्छी क्वालिटी का ईस्ट लेना है। यूजुअली मार्केट में जो ग्रॉसरी शॉप्स में जो ईस्ट मिलता है वो नहीं, उससे ब्रेड बनती है। तो किसी बेकरी वाली शॉप से आप जाके लीजिएगा, तो अच्छी क्वालिटी वाला ईस्ट लीजिएगा, तभी आपकी ब्रेड बनेगी। तो 3 ग्राम मैं ले लूँगी ईस्ट। ये मैंने ईस्ट ले लिया है और ये है 2 टेबलस्पून शुगर। ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए हमें शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है 2 चम्मच चीनी। और नेक्स्ट जो सामान हमें चाहिए ब्रेड बनाने के लिए वो है बटर। तो बटर भी इतना ही, 2 टेबलस्पून के आसपास हम बटर भी लेंगे। और मैं इसे दूध में बनाने वाली हूँ और दूध में ही हम ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए लगाएंगे। आप चाहें तो इसे पानी में भी कर सकते हैं, पानी में भी बन जाता है, या आधा दूध या आधा पानी भी ले सकते हैं। अभी मैंने 100 ml मिल्क लिया है और आटा गूंथते वक्त आप अपने अंदाजे के हिसाब से उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, कम तो नहीं लगेगा, तो वो हम उसी वक्त ऐड कर लेंगे। 100 से 150 ml हो जाएगा। तो अब मैंने ये दूध कर लिया है गर्म और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच चीनी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे, दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुन दूध जो होता है हमें वैसा ही दूध चाहिए। तो चीनी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। तो इसे मिक्स करने के बाद हमें 5 मिनट के लिए छोड़ना होगा। तो ये ऐड कर दूंगी अब मैं इसमें ईस्ट। ईस्ट अच्छी कंपनी का ही लीजिएगा, तभी आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। तो इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट काफ़ी है, 5-10 मिनट में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो मैं इसे ढक के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद देखिए ईस्ट ने अच्छे से एक्टिव हो गया है और आपका ईस्ट जो है वो इस तरीके का होना चाहिए फर्मेंट होने के बाद। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दैट मीन्स आपका ईस्ट अच्छा नहीं है और आप इतनी मेहनत करेंगे वो बेकार जाएगी, क्योंकि फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो अगर ईस्ट इस तरीके से दिखे तो तभी आप अपनी ब्रेड आगे बनाना शुरू कीजिए। तो अब हम इसे करेंगे इसमें मिक्स, इससे आटा गूंदेंगे हम अपना। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें थोड़ा सा नमक भी डालना है, जिससे कि ईस्ट जो है उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से रोकेगा और फर्मेंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है। तो चलिए अब आटा गूंदना शुरू करते हैं। एक बारी में सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं आटा लगाना शुरू करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही प्रोसीजर जो होता है पूरा ब्रेड मेकिंग का, यही वाला जो है स्टेप, इस समय आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें अच्छे से करना है। अगर आटा आपका सही से नहीं लगा होगा तो ब्रेड आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इसी में करनी है। तो देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है और इस बर्तन पे तो हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें इसे शेल्फ पे रख के अच्छे से प्रेस करके आटा गूंदना है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी शेल्फ में।
तो ये देखिए, इस तरीके के फ्लैट सरफेस में ही ब्रेड का आटा अच्छे से बन पाता है। अब मैं इसे अपने हथेली के हेल्प से प्रेस कर करके आटा अच्छे से लगा लूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ। तो मैं पाम से प्रेस कर करके अब ये आटा गूंद लूँगी। देखिए, इस तरीके से हमें ये आटा गूंदना है ब्रेड के लिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से आटा नहीं करेंगे तो ईस्ट में से भी स्मेल आती है, वो स्मेल भी नहीं जाती है। तो इस तरीके से हमें आटा थोड़ा गूंदना ही पड़ेगा, तभी हमारी ब्रेड जो है वो अच्छी बनेगी और ईस्ट जो है अच्छे से पूरे ब्रेड में फैलेगा और फर्मेंट होएगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा 1-2 चम्मच मेरा बचा था, मैंने वो भी मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी सी जान लगा के अच्छे से मुझे ये डो बनाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ, हमें पता रहता है कि हम क्या क्या डाल के इस ब्रेड को बना रहे हैं और कितने हाइजीन से ये प्रिपेयर हो रही है। तो ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून बटर, उसे डाल के भी मैं अच्छे से आटा एक बारी फिर से लगा लूंगी। कम से कम आटे को हमें 10 से 15 मिनट तक तो एटलीस्ट गूंदना ही है। पाम की हेल्प से आप इसे अच्छे से गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने भी जब फर्स्ट बार ब्रेड ट्राई की थी तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी बढ़िया ब्रेड बनी थी। तो आप लोग भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके ब्रेड बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए, अब मेरा आटा हो गया है रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए, तो चलिए अब इसे फर्स्ट प्रूफिंग की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ब्रेड के लिए बेकिंग टिन नहीं है तो आप इसको एल्यूमिनियम फॉइल का जो पैकेजिंग वाला, जो फूड पैकेजिंग वाला आता है, उसमें भी कर सकते हैं। आज मैं आपको उसी में करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब इस डो को मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसमें रख दूंगी। ये देखिए, मैंने रख दिए हैं। थोड़ा सा हम उसको उसमें सेट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब हम इसे फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखेंगे। और ये थोड़ी देर में आप चेक करेंगे, कम से कम हमें इसे 20 से 25 मिनट रखना है। अभी गर्मी का टाइम है तो ये आराम से हो जाएगा। और मैं इसे कवर करके साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए, मैंने इस टब से इसे कवर करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ 20 मिनट में ही ये इतने अच्छे से ऊपर तक आ गई है। तो अब हमें इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है। तो एक बारी मैं इसे फिर से निकालूंगी इनमें से, और इसमें जितनी भी हवा भरी है वो सब मैं निकाल लूंगी। अब हमें बहुत देर तक इसे नहीं करना है। अब हम इसे सिर्फ 2-4 मिनट ही इस तरीके से करके वापस से रख देंगे इसे सेट होने के लिए, और उसके बाद हम इसे सीधा बेक करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पूरा अच्छे से रोल करके पैक कर दिया है। अब मैं वापस से इसे रख रही हूँ। अब मैं इसे एक ही उसमें डाल के रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे खोल दिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी और इसके अंदर इसे अच्छे से सेट कर दूंगी। अब फिर से मैं इसे रख दूंगी। अब ये 10 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये देखिए, 15 मिनट में कितने बढ़िया से
दोबारा से ये अच्छे से ऊपर तक आ गया है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सीधे बेक करने के लिए रखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी ब्रेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे कढ़ाई में ही दिखा रही हूँ। मेरे पास ओटीजी भी है, माइक्रोवेव भी है, पर आप घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक पैन में रख दिया है एक प्लेट, और इसके ऊपर डाल के मैं इसे रख दूंगी, और थोड़ा सा मैं मिल्क से ऊपर से इसे कोट कर दूंगी ताकि इसका कलर भी अच्छा आता है और दूसरा एकदम से ड्राई भी नहीं होती है ऊपर से ब्रेड। और अब मुझे इसे कर देना है कवर लिड से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उसमें एक इस तरीके से होल होना चाहिए। आप चाहे तो इसे कुकर में भी कर सकते हैं, इससे बढ़िया और ये कुकर में होती है बेक। आज आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें किया है। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट बाद मेरी ब्रेड कितने बढ़िया से ऊपर तक फूल के आ गई है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था ये इतना ऊपर तक आ जाएगी और मेरा पूरा पैन ही भर जाएगा। तो ये मेरे पूरे ऊपर पैन तक ही टच कर गई। और अब इसमें मैं फिर से थोड़ा सा मिल्क लगा रही हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब इस स्टेज में आके आपको 20 से 25 मिनट बाद इसे देखिए साइड से पूरी ब्राउन हो गई है। अब हमें कर देना है पैन बंद, क्योंकि अब इसके अंदर जितनी हीट है ये उससे ही अपने आप अंदर जितनी भी इसकी कसर बाकी है बेक हो जाएगी। और इसे आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम में ही इसे करना है। तो अब देखिए, मैं आपको चाकू से चेक करके भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रही है। तो डैट मीन्स कि अच्छे से बेक हो चुकी है। तो फिलहाल तो अभी ये बहुत गर्म है, मैं यहीं छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर बाद मैंने निकाल ली है, लेकिन अभी भी बहुत गर्म है ये। अब मैंने इसे रख दिया है एक कपड़े से कवर करके, क्योंकि अभी इसमें जितनी भी भाप वगैरह है वो निकल जाएगी। थोड़ी देर में देखिए, मैंने खोल ली है अपनी ब्रेड, ये निकाल लिया है। और देखिए कितने बढ़िया से मेरी ब्रेड बेक हुई है, ये देखिए। तो आप लोग भी इसे इजीली घर पे बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी डो से आप पिज़्ज़ा का बेस और पाव भी बना सकते हैं। अगर उसकी भी अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब मैंने इसमें लगा दिया है ऊपर से बटर, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपना ले लिया है एक जिगजैग वाला नाइफ। तो ये देखिए, कटते साथ ही आपको पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया ब्रेड बनी है। अभी ये गर्म है बहुत, देखिए कितनी जालीदार ब्रेड बनी है, कितने अच्छे से बेक होके निकली है, ये देखिए। फ्रेंड्स, आप इसे ठंडा होने के बाद ही काटिएगा, क्योंकि वरना ब्रेड टूट जाती है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये शूट करने के लिए गर्म में करा है। तो फ्रेंड्स, देखिए जितनी देर मेरी ब्रेड बेक हुई थी मैंने शूट किया था, वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।